और ये फ्रंट की एलिवेशन है, एज यू कैन सी कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बहुत ही अमेजिंग हो रखा है। गैस पाइपलाइन आपको दिख रही है यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है, और गली का साइज़ बहुत अच्छा है यहाँ पे। फ्रंट में मैंने अपनी गाड़ी लगाई है। अब इधर का साइज़ देखिए, प्रॉपर यहाँ पे आपको मायापुरी की कनेक्टिविटी मिल रही है दोनों साइड से, और इधर वेल मेंटेन पार्क मिल जाता है सामने आपको। और ये हमारी एंट्रेंस है, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ ऊपर। पार्किंग आपको दोनों साइड मिल जाती है, इधर आपको चार गाड़ियों की पार्किंग इजीली मिल जाती है, आप देख सकते हो प्रॉपर वहाँ तक स्पेस मिलता है। उधर भी आपको सेपरेट चार गाड़ियों का स्पेस मिल जाता है। बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है, फ्री होल्ड हमारी प्रॉपर्टी है। लोकेशन मैंने आपको बताया, बीई ब्लॉक है हरिनगर का, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। तो चलते हैं अब हम लोग अपने सेकंड फ्लोर पे और देख लेते हैं कि फ्लैट हमारा अंदर से किस तरीके से होने वाला है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस तरीके की वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। ये चीज़ है हमारी फ्रंट का मतलब डोर हो गया, ये वाला स्टील का पूरा गेट है हमारा, और पूरा एज इट इज़। अभी इन्होंने रिसेंटली शिफ्ट हुए तो इसके अंदर काफ़ी सारा काम इन्होंने करवा रखा है। एज यू कैन सी कि आपको सामने ड्राइंग रूम मिल जाता है। बेसिकली ये हमारा 3 BHK है, और काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है बेडरूम के अंदर, सॉरी ड्राइंग रूम के अंदर। वॉल सीलिंग का डिज़ाइन वगैरह बहुत ही अट्रैक्टिव मतलब इसमें काम किया हुआ है सारा कुछ। आप यहाँ पे ग्लास पैनल वगैरह देख सकते हैं, सिटिंग एरिया प्रॉपर आपको मिल जाती है। सामने यहाँ पे जस्ट इन्होंने LCD पैनल बनाया हुआ है, तो सामने ये LCD पैनल हो गया हमारा। साथ में यहाँ पे आपको मॉड्यूलर किचन मिल जाती है, क्वाइट गुड किचन का स्पेस काफ़ी अच्छा है। और पर्सनली मेरे को किचन का जो अंदर का जो शेप है वो काफ़ी अच्छी लगी है। एज यू कैन सी कि कॉम्पैक्ट सा स्पेस है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी अच्छे से इन्होंने स्पेस को यूटिलाइज़ किया है। चिमनी वगैरह आपको यहाँ पे ब्रांडेड मिल रही है, बगल में आपको पेंट्री का ऑप्शन भी मिल रहा है। फ्रिज का स्पेस बिल्कुल सेपरेट है जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है, उसके सामने भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है स्टोरेज रखने का। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बेसिकली ये हमारा बेडरूम है, तो जिनका ये फ्लैट है उनकी फैमिली छोटी है, तो इसको छोटा सा सिटिंग एरिया बना रखा है कोई गेट टुगेदर करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉपर आपका 6x6 का बेड आ जाएगा। इसमें भी एक अटैच वॉशरूम आपको वहाँ पे मिलता है जो दोनों के कॉमन है। वहाँ पे स्प्लिट AC का प्रोविजन दिया हुआ है, अगर आपने लगवाना तो स्प्लिट AC यहाँ पे लगवा सकते हैं। फ्लैट का जो साइज़ मैंने बताया 100 स्क्वायर फीट के अंदर ये बना हुआ है, 100 गज के अंदर 3 BHK बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ है। जनरली यहाँ पे 100 गज के अंदर 2 BHK बनता है, लेकिन यहाँ पे नक्शे के हिसाब से 3 BHK निकला हुआ है। नीचे प्रॉपर आपको पार्किंग मैंने दिखा दी है। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, इसके भी साइज़ काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पे आपको छोटा सा स्टोरेज टाइप का मिल जाता है। मतलब अगर आपने वॉशिंग एरिया बनाना है या मंदिर बनाना है, जो भी बनाना आप वहाँ पे इजीली बना सकते हैं। और ये सेम वॉशरूम इसके साथ भी कॉमन है। तो ओवरऑल ये है हमारा सेकेंड बेडरूम। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको फ्रंट की साइड में, जो कि हमारा थर्ड बेडरूम होने वाला है, और गली की फेसिंग के साथ। बेसिकली वन साइड ओपन है, पीछे हमारी वो वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया हुआ है। और ये हमारा थर्ड बेडरूम है फ्रंट साइड का। ये थर्ड बेडरूम हो गया हमारा फुल, इसमें 6x6 का बेड लगा हुआ है। साइड में भी इनफ स्पेस है, उधर भी इनफ स्पेस मिल जाता है, वहाँ पे अलमीरा मिल जाती है आपको। विंडो AC का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल दो यहाँ पे आप अपना TV वगैरह इजीली प्लेस कर सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट है कि इस वाले बेडरूम के साथ भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है, और बहुत अच्छा साइज़ है वॉशरूम का। अंदर अभी इसलिए नहीं दिखा रहा, ऑलरेडी यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो वॉशरूम में अंदर से कुछ सम प्राइवेसी के कारण नहीं दिखा रहा। ये हमारी फ्रंट की बालकनी है, मैं ये नहीं बोल रहा आपको बालकनी का साइज़ बहुत अच्छा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्लैट आपको अच्छा साइज़ मिल रहा है। सामने आपको वेल मेंटेन पार्क गली के कोने पे मिल जाता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी प्राइस वगैरह मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, इसका कितना प्राइस है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लोकेशन वगैरह शेयर कर दूंगा। मेरा नंबर हाईलाइट हो रहा है, उस नंबर पर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं।